मेरी इतनी दुआ कबूल हो जाए, बस तेरी हर दुआ काबुल हो जाए, तुझे मिले जन्मदिन पर हजारों लाखों खुशियाँ, और जो तुम चाहो रब से वो पल भर में मंजूर हो जाए। हैप्पी बर्थडे बेटा, आई लव यू। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, हमारे लिए बच्चे ही हैं। मैं हूँ नंदिनी, आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल में, नंदिनी के सपने ब्लॉग। आइए आज का नया और फ्रेश एपिसोड में बच्चों के लिए कुछ बनाऊं, क्योंकि आज मेरा बच्चे का बर्थडे है, मेरा बेटा का बर्थडे है। तो उसी खुशी में बच्चों का मनपसंद रेसिपी पिज़्ज़ा और सैंडविच। तो आइए बनाते हैं किचन में। यह है पिज़्ज़ा बेस, मिलता है मार्केट में, और इसके ऊपर हम लगा दिए हैं सब टॉपिंग्स वगैरह, सब कुछ मार्केट में मिलता है। बस कुछ करना ही नहीं है आपको, टॉपिंग्स के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप सीधा ये मार्केट से लेके आइए और घर में रखिए। अभी तो मार्केट में जो हालत चल रहा है, तो बाहर से मंगा के खाने से अच्छा है कि घर में आप बच्चों को अपने हाथ से साफ़ सुथरा बना के खिलाइए। तो यह है पिज़्ज़ा बेस, पिज़्ज़ा बेस के लिए आपको मार्केट में मिल जाएगा बेकरी दुकान में। उसके ऊपर हम ये सारे टॉपिंग्स के थोड़ा थोड़ा कुछ डाल देंगे, एक एक चम्मच डालेंगे। ये मेयोनीज है, आपका पिज़्ज़ा टॉपिंग है और पिज़्ज़ा सॉस है, ये सब का हम एक एक स्पून इसके ऊपर डालेंगे। और इसके ऊपर पहले से ही बटर लगाया हुआ है, और इसको हम सब तरफ मिक्स करके स्प्रेड कर देंगे। बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, उसके लिए मैं आज ये शेयर कर रही हूँ। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये, जितना भी कुछ आप बना लें पिज़्ज़ा का नाम से, चाउमीन मंचूरियन के नाम से, ये बच्चे बहुत ही मतलब खुश हो जाते हैं। तो चलिए, उसी के लिए मैं आज ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स है आप इसमें डाल सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, या फिर कैप्सिकम, गाजर, जो कुछ है, प्याज, आप सब कुछ डाल सकते हैं इसमें। और ये गाजर और कैप्सिकम हमारे पास है, आप इसके ऊपर कॉर्न दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट में जो मिलता है उसी जैसा ही टेस्ट हुआ है, मार्केट से भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बना था। आप भी मार्केट से सब चीज़ लेके आइए और बच्चों को घर में बना के खिलाइए। टमाटो भी काट के आप दे सकते हैं इसके ऊपर सजा के। और इसके ऊपर हम एक मसाला बनाए हैं, उसको स्प्रिंकल करेंगे, जो कि आपका ओरेगानो, ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट, और रेड चिल्ली फ्लेक्स हम नहीं डाले हैं, रेड चिल्ली पाउडर डाले हैं। ये सब का हम एक मिक्सचर बनाए हैं और उसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ये भाभी स्प्रिंकल कर रही है इसके ऊपर। और इसके ऊपर हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ दिया जाता है मार्केट में वो चीज़ होना चाहिए, जो हमारे पास है उसी से ही हम बनाएंगे। और बहुत ही टेस्टी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बना था ये। और ये पिज़्ज़ा टॉपिंग जो आता है, मिक्सचर आता है, ये भी आप मार्केट में मिल जाता है इसको पिज़्ज़ा सीजनिंग के नाम से, उसके ऊपर हम छिड़क देंगे। और उसके ऊपर हम डालेंगे ये चीज़ का स्लाइस चीज़ है ये, उसको उसके लिए पूरा एक पीस डालेंगे तो एक ही जगह में रह जाएगा ये, उसके लिए छोटा छोटा टुकड़ा करके चारों ओर डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मज़रोला नहीं है, चीज़ क्यूब्स है हमारे पास, तो उसको हम उसको कद्दूकस करके इसके ऊपर डाल देंगे। चीज़ क्यूब्स भी आपको मार्केट में मिल जाता है। और ये चीज़ स्लाइस को हम टुकड़ा करके चारों ओर फैला दिए हैं। और नीचे जो आपका दिया हुआ है टॉपिंग्स, वो आप अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। ये देखिए, ये कद्दूकस करके उसके ऊपर भाभी डाल रही है। और ये थोड़ा सा पनीर था, ये दूसरे पिज़्ज़े में डाली है, आप चाहें तो पनीर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो कॉर्न भी डाल सकते हैं। ये जैसे कढ़ाई में मैं नमक दे के नीचे में गरम करके उसके ऊपर ये सेक रही हूँ, आप इसे प्लेट के ऊपर जैसे सजाए हैं पिज़्ज़ा को, इसके ऊपर रख के उसको ढक दीजिए, इसमें भी आपका पिज़्ज़ा बन जाएगा। लेकिन मैं बनाई हूँ ओवन पे, ओवन को 200 डिग्री में हीट की हूँ, और उसके बाद फिर इसको उसके अंदर रख के 10 मिनट भी नहीं लगता है, 5-6 मिनट लग जाता है, फिर वो आराम से बन जाएगा। आप भी वैसे कर सकते हैं या फिर आप कढ़ाई में बना सकते हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर करिए। अब चलिए बनाते हैं हम वही सब आइटम लेके ब्रेड का टोस्ट।
यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स में खाली गाजर और प्याज ही यूज़ की हूँ। गाजर को कद्दूकस कर दी हूँ और प्याज को गोल गोल स्लाइस में काट दी हूँ। और आलू बनाई हूँ मैं, आलू मसाला बनाई हूँ। आलू मसाला मैं इसमें लगा के करूँगी। और ये सारा जो मेयोनीज़ है, पिज़्ज़ा टॉपिंग है, और ये एक है न्यूटेला का, ये मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। ये भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं ब्रेड में लगाने से। और ये आलू और ये गाजर और प्याज, और ब्रेड में हम लगा के, ये है चीज़, अमूल का ही है चीज़। और इसको, इसके ऊपर मैं कद्दूकस नहीं की हूँ, वो स्लाइस चीज़, सॉरी वो क्यूब चीज़। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं आलू। तो ये आलू के लिए बॉईल किया हुआ आलू है, जीरा मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा प्याज और धनिया, ये सब लेके कढ़ाई गरम होने के बाद पहले हम जीरा डाल देते हैं और उसके ऊपर हम डालेंगे ये हरी मिर्च, काट के रखी थी मैं छोटा छोटा पीस करके। आप अगर ज़्यादा दे के तीखा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि टॉपिंग में हमारा है सॉस वगैरह, तो उसमें तीखा है, उसके लिए हम ये तीखा थोड़ा सा कम की हूँ मैं यहाँ पे। और उसके ऊपर मैं ये प्याज डाल दी, कटा हुआ प्याज है। और उसमें ये थोड़ा सा प्याज को हम बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, कलर नहीं करना है हमें प्याज को। उसके ऊपर थोड़ा सा नमक मैं अभी डाल रही हूँ और फिर मैं बाद में आलू के ऊपर और थोड़ा नमक डालूँगी, क्योंकि ये इतना नमक कम हो जाएगा पूरे आलू के लिए। चार बड़ा आलू ली हूँ मैं। ये प्याज हो गया है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं करना है मेरे को। उसके ऊपर मैं डालूँगी ये मसाला, करी मसाला पाउडर है ये, और उसके ऊपर ये हल्दी, और उसके ऊपर ये लाल मिर्च पाउडर, और उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ये भून के आलू। आलू को मैश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमको ब्रेड के अंदर उसको पेस्ट जैसे लगाना है, तो ये मैश नहीं करने से नहीं होगा। तो अच्छा से उसको मैश करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं हाथ से ऐसा करके दे रही हूँ, फिर मैं चम्मच से उसको पूरा मैश कर दूँगी। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो मैं जो ब्रेड दिखाऊँगी ब्रेड के अंदर, तो हम कई तरह से इसको कर सकते हैं। पिज़्ज़ा ब्रेड अगर आपको नहीं मिलता है पिज़्ज़ा बेस, तो आप इसी के ऊपर भी, ब्रेड के ऊपर भी इसको लगा के करके आप बना सकते हैं। ये भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आलू अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो मत भी दीजिए। जो मैं बना रही हूँ वैसे ही आप बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है। आप अपने पसंद से और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो नहीं है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आलू मेरा रेडी हो गया, ऊपर से धनिया पत्ता डाल दिए और इसको रख देंगे एक प्लेट में, और फिर हम बनाएंगे ब्रेड। और ब्रेड को हम आज बनाएंगे, टोस्टर में नहीं बनाऊंगी मैं। टोस्टर जिसके पास नहीं है तो आप आराम से तवे पे भी बना सकते हैं। तो टोस्टर में तो मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं आज तवे में बना के दिखाऊंगी, टोस्टर यूज़ नहीं करूँगी। ब्रेड का साइड वाला किनारा मैं काटती हूँ थोड़ा थोड़ा, जो मुझे लगा नहीं चाहिए वो काट दी हूँ, लेकिन ये किनारा को फेंकना नहीं है मुझे, इसका ब्रेड क्रम बन जाएगा। ठीक है, उसको रख देंगे साइड में, उसका ब्रेड क्रम बन जाएगा। और ये दो स्लाइस ले लेंगे, एक स्लाइस के ऊपर मैं लगा रही हूँ ये मेयोनीज़, और एक स्लाइस के ऊपर ये पिज़्ज़ा टॉपिंग। और दोनों को ये थोड़ा सा, एक स्लाइस के ऊपर मैं डालूँगी ये आलू। आलू को अच्छा से स्प्रेड कर देंगे। मैं इसमें बहुत ज़्यादा तीखा नहीं डाली हूँ। आप अगर चाहें तो इसमें सेजवान चटनी, जो कि मैं दूसरे में यूज़ करूँगी, डाल सकते हैं, आपको अगर तीखा चाहे। और ये जो पाउडर मैं बना रही हूँ, ये ओरेगानो, ये थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इसको डाल के मैं बना रही हूँ ये टॉपिंग, मतलब थोड़ा सा छिड़कने के लिए ऊपर से, क्योंकि वेजिस डालूंगी, वेजिटेबल्स डालूंगी, तो वो सॉल्ट थोड़ा सा नहीं होने से वो अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए मैं उसको बनाई हूँ। चीज़ स्लाइस है ये, इसको रखी हूँ। और इसके ऊपर, आलू के ऊपर जो है उसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा वेजिटेबल्स, जो कि गाजर, इसको मैं लंबा लंबा स्लाइस में कद्दूकस कर ली हूँ, इसको काटी नहीं हूँ मैं, कद्दूकस की हूँ। और उसके ऊपर डालूंगी मैं प्याज, आप इसके ऊपर चाहे तो कुकुम्बर भी डाल सकते हैं, और आपके पसंद से आप डाल सकते हैं वेजिटेबल्स। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूंगी ये मसाला जो मैं बनाई थी ओरेगानो वाला। उसके ऊपर हम रखेंगे ये चीज़ स्लाइस को, और ये है पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये भी थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगता है।
उसको भी थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। ये बच्चों के पसंद का ही आज आइटम बन रहा है, तो उन्हीं के हिसाब से ही जैसे बनता है, जैसे बाहर मार्केट में मिलता है उसी हिसाब से बनाई हूँ मैं, तो बच्चे पसंद करेंगे। उसके लिए आप भी ज़रूर बनाइए, आपके बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे देखना। उसके ऊपर ये चीज़ स्लाइस डाल के उसको मैं कवर कर दी, ठीक है। और इसको हम सेकेंगे अभी बटर दे के तवे के ऊपर। और दूसरा वाला स्लाइस मैं ले रही हूँ, इसमें मैं डालूँगी सेजवान चटनी, एक साइड में सेजवान चटनी डालूँगी और एक साइड में ये मेयोनीज़ है। सेजवान चटनी आप तीखा है, जो तीखा खाते हैं उनके लिए, और वो पहले वाला जो था वो थोड़ा कम तीखा। ये दोनों डाल के इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ, और उसके ऊपर हम आलू लगाएंगे। अगर आप आलू देना नहीं चाहते हैं तो मत दीजिए, खाली वेजिटेबल्स देके भी आप बना सकते हैं अगर पसंद करते हैं तो। जो आलू नहीं खाना चाहते हैं, बड़ों की बात कर रही हूँ मैं, बच्चे तो आलू पसंद ही करते हैं, बड़ों की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो उसको अवॉइड कर दीजिए, खाली वेजिटेबल्स डाल के बनाइए। आप अगर बर्थडे पार्टी भी बच्चों का घर में करते हैं तो भी बच्चों को ये बना के आप दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बच्चे उतना मीठा या वो सब चीज़ उतना पसंद नहीं करते हैं जितना ये चटपटा आइटम पसंद करते हैं। उसके लिए मेरा बेटा का बर्थडे है आज, तो मैं सोची कि मैं यही सब शेयर करूँ आप लोगों के साथ। ऐसे और भी बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, मैं हर रोज़ एक एक नया नया रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करना होता है, और उसमें बेल आइकन को ऑल में क्लिक करिए, ताकि मेरा रोज़ का जो नया रेसिपी हो या कुछ भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए ये हो गया रेडी। मैं आज टोस्टर में नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी आज तवे में, तो क्योंकि ये टोस्टर हर एक के पास अगर अवेलेबल नहीं भी है तो आप तवे में उसको आराम से बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और जो रेडी किए हैं स्लाइस हम उसके ऊपर डाल देंगे इसको। आप अगर चीज़ स्लाइस जो मैं डाली हूँ आप उतना बड़ा डालना नहीं चाहते हैं तो आप छोटा छोटा करके उसको अंदर में डालिए, आपके अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट करिए। तो इसके वो थोड़ा सा ऊपर से बटर दे के हम उसको अच्छा से सेक लेंगे। अब ये है न्यूटेला, ये न्यूटेला है एक चॉकलेट फ्लेवर, ये भी बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। मैं उसको दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कुछ भी नहीं करना है न्यूटेला को, बस इसको स्पून से निकालिए और ब्रेड स्लाइस में लगाइए। ये भी मार्केट में अवेलेबल है और ये देखिए चॉकलेट जैसा लगता है। इसको अच्छा से हम स्प्रेड कर देंगे और उसको हम टोस्ट जैसे बना देंगे। इसको कोई गरम करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप अगर चाहें तो इसको गरम कर सकते हैं। और ये वाला ब्रेड देखिए जो तवे में हम रखे थे, ये रेडी हो गया। इसको हम निकाल देंगे और इसको अपने हिसाब से हम काट लेंगे, ऐसे काटें या आड़ा काटें, सीधा काटें, आप अपने हिसाब से काटें या छोटे छोटे पीस काटें। आप ये वाला बच्चों को पार्टी में भी दे के खुश कर सकते हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और मैं कल जो एक रेसिपी शेयर की हूँ मसाला वाला सिकंजी, वो भी आप बच्चों को इसके साथ ड्रिंक में दे सकते हैं। बाहर से कुछ भी मत मंगाइए, ये आराम से बना के बच्चों को खिलाइए, बच्चे भी खुश और हम भी खुश। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड? मेरा बेटा का बर्थडे है, आप सब उसको विश कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए हर रोज़ एक नया और फ्रेश एपिसोड देखने के लिए। चलिए फिर मैं कल मिलती हूँ, बाय बाय।